और इसमें मैंने लगा रखा है एचसी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट। भाई बिल्कुल गंदी आवाज़ है इसकी, बिल्कुल लाउड, इतनी लाउड है कि मैं इसको चला नहीं सकता बस। और उसके बाद मैंने कर रखी है कस्टम DRL और सबसे महंगी चीज ये। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये रही अपनी पायरेट, मैं आज इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या करवा रखा है। रेट नहीं बताऊँगा, बस ये बता दूंगा मैंने क्या क्या करवा रखा है और तुम भी ये चीज़ें करवा सकते हो। तो गाइस ये रही पायरेट अपनी, मैंने इसमें क्या क्या करवा रखा है अभी आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। पहले आप इसका पूरा देख लो क्या क्या हो रखा है अपनी एक्टिवा में, पायरेट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको जो सबसे अलग दिख रहा होगा वो है इसका रैप, जो हमने रैप कर रखा है ये है नाडो ग्रे। पहले मैंने पूरी स्कूटी नाडो ग्रे में रैप कर रखी थी, फिर मैंने इसमें डुअल टोन ऐड करी, सामने का वाइजर और ये नोज और पीछे का ये इंडिकेटर के ऊपर वाला और ये ब्लैक मैंने कर रखे हैं। ये स्कूटी अपनी पहले वाइट थी पूरी, अब ये नाडो ग्रे में रैप हो रखी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कर रखी है कस्टम DRL, ये आइज़ बना रखी है मैंने नियॉन कलर में, नियॉन लाइट आती है ना अपनी, उसकी आइज़ बना रखी है। इसकी डिटेल पूरी वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा ये कैसे बनी है। और सबसे महंगी चीज़ ये अपनी नई एक्टिवा की सस्पेंशन, ये मैंने अपनी पुरानी वाली में लगा रखी है। ये मतलब नॉर्मल वाली से बढ़िया है, नॉर्मल जो आती है ना वो उछलती है और ये दबती है ब्रेक मारने पे, तो ब्रेक बिल्कुल मस्त हो गया और पिकअप भी तेज़ हो गया इसका, क्योंकि वो भारी सिस्टम होता है पूरा और ये हल्का है। और मैंने ये रिम डुअल पेंट में पेंट कर रखी है, सिल्वर प्लस में ब्लैक, कुछ ऐसे लोग आ रही है। और ये फॉग लाइट लगा रखी है यहाँ पे रोशनी के लिए, क्योंकि ये वाली लाइट तो रोशनी करती नहीं, यही करती है बस, ये डुअल में चलती है वाइट और येलो। चला के दिखा देता हूँ आपको, ये वाइट ये येलो, येलो ये वाली ख़राब हो रखी है, ये वाली सही है, दोनों येलो चलती थी पहले, ठीक है। और मैंने इसमें कस्टम इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये देखो कुछ ऐसी आती है इसकी। और साइड में भी ये मैंने R15 के इंडिकेटर लगा रखे हैं दोनों साइड बॉडी में होल करके, इसकी वीडियो आपने देख ली होगी शायद, चैनल पे पड़ी है, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है इसमें मेरे को नहीं पता। और मैंने इसमें कर रखे हैं ये मिरर लगा रखे हैं, बार एंड मिरर, इनकी लुक कुछ ऐसी आती है। और ये प्रोटेक्ट पर्स की ग्रिप लगा रखी है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये एक्टिवा सिटी का बटन लगवा रखा है, स्टार्ट इंजन और स्टॉप करने वाला। फ्रंट से कंप्लीट हो चुकी है अपना रिव्यू, ठीक है। और इसमें मैंने फ्लैशर डलवा रखा है, ये देखो फ्लैशर, कुछ ऐसे लोग आते हैं फ्लैशर में, ये देखो नीचे वाला इंडिकेटर जल रहा है। और ये मैंने डिग्गी में लगा रखा है, सस्पेंशन तो ये ख़राब हो गया था तो मैंने यहाँ लगा दिया, इससे भी लुक बहुत अच्छी आ रही है स्कूटी। और इस साइड पे आते हैं, इस साइड भी मैंने नाडो ग्रे कर रखा और कुछ ग्राफिक कर रखी है और इंडिकेटर स्मोक कर रखे हैं डार्क स्मोक। और ये कार्बन फाइबर में रैप कर रखा है पूरा हैंडल, और पीछे से भी मैंने इंडिकेटर चेंज कर रखे हैं इसके, ये मिनी इंडिकेटर आते हैं इतने से वो लगा रखे हैं इसमें होल करके, इसमें होल करके, इसमें ये वाले हटा रखे हैं इंडिकेटर। इसमें मैंने DRL लगा रखी है रेड कलर की, अगर आपको दिख रही होगी तो, धूप हो रखी है इसलिए नहीं दिख रखी। और नंबर प्लेट इसकी थोड़ी नीचे आती है, मैंने इसको ऊपर चढ़ा रखा है थोड़ा लुक के लिए, ताकि टायर पीछे से ऐसे लगे, ऐसी लुक आए। और ये हिंदू का स्टिकर, और ये रही अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, इस स्कूटी का नाम है पायरेट, तो दिस इज़ पायरेट नाम से अपने इंस्टाग्राम की वो है प्रोफाइल, यहाँ पे आ रहा होगा लिखा हो, उसको जाके फॉलो कर लेना, उसमें मस्त मस्त रील आती है अपनी। और ये मेरा नाम किसी ने मिटोने की कोशिश करी थी पर साढ़े से मिटा नहीं,
ये देखो स्क्रैच मार रखे हैं ना, इस साइड से भी मैंने पूरी रैप कर रखी है, और ये किसी ने चाबी मार रखी है ऐसे करके, ठीक है। और आज स्कूटी धोई थी पूरी रिव्यू के लिए, तो पॉलिश वालिश मार रखी है। और इसमें मैंने लगा रखा है एचसी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट। भाई बिल्कुल गंदी आवाज़ है इसकी, बिल्कुल लाउड, इतनी लाउड है कि मैं इसको चला नहीं सकता, बस बहुत लाउड है इसकी। मैंने सिस्टम फुल सिस्टम करवा रखा है, देखो लुक ऐसी आती है निकल गई इसकी, ऐसी लगती है अपनी एक्टिवा। और मैंने ये इसमें SS125 का साइड स्टैंड लगा रखा है थोड़ी लुक के लिए, बस और कुछ नहीं है। और आप ये वाली मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये वाली टेलीस्कोप, अगर आपकी पुरानी एक्टिव है ना जिसमें दूसरे सस्पेंशन आते हैं, उसकी जगह आप ये वाले लगवा सकते हो। और हाँ, मैंने इसमें पीछे भी, पीछे वाला सॉकल भी चेंज करवा रखा है, जुपिटर का लगवा रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, एडजस्टेबल वाला सॉकल है ये जुपिटर का लगवा रखा है मैंने। और आप ये फ्लैश डलवा सकते हो जो मैंने लगवा रखा है। अब आपको इसकी साउंड सुनाऊं, एग्जॉस्ट की साउंड सुन लो आइडियल पर जब स्टार्ट करते हैं ना आपा, ये वाली आवाज, गाइस डबल स्टैंड पर चढ़ा दिया मैंने अपनी एक्टिवा, अब इसकी साउंड सुनना। पटाखे सुने गाइस आपने, सुने देखो गाइस, इसलिए मैं इसको नहीं चलाता ये एग्जॉस्ट लगवा के, बहुत लाउड है स्कूटी अपनी। एक बार और सुनाऊं, मोबिल है, मोबिल खर्च हो रहा है इसका, पेट्रोल माइलेज तो ये बिल्कुल भी नहीं देती, स्लैंस लगाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देगी। अभी मैं इसको बस जाके हटवा दूंगा। और यहाँ पे मैंने श्री राम का स्टिकर लगवा रखा है, पीछे हिंदू लिखवा रखा है, और यहाँ पे अपनी आईडी। और मैं ये वाली पट्टी हटवा के कुछ ग्राफिक करवाऊंगा स्कूटी पे, तो वो आपको रील पे मिल जाएगी। इसकी जो अपना ये प्रोजेक्ट है ना, इसी प्रोजेक्ट, इसकी जो फ्लेम है ना रात को निकलती है, वो मैं आपको क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे। और बाकी स्कूटी कुछ ऐसी लग गई अपनी, ये ऐसी प्रोजेक्टर अपना, ये रे टेलीस्कोपी सस्पेंशन। मैंने इसमें और पूछो ना कितने पैसे लगा रखे हैं, रैप कर रखी है मैंने ये पूरी नाडो ग्रे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, तो आप इसकी रिएक्शन वीडियो बनाएंगे एग्जॉस्ट के साथ, रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इसकी पूरी, कि पब्लिक क्या देख, क्या रिएक्ट करती है अपनी स्कूटी को देख के, ठीक है गाइस। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और बता देना कि और मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ अपने इस पायरेट में, ठीक है गाइस, बाय।